आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, एक लंबा चौड़ा, ठीक है। एक्स अपने के पास 1 से ज़्यादा है, 2y(2) इक्वल टू इसके बराबर है, देन y(e) किसके बराबर होगा, यानी y(2) सीधा सी बात है इसके बराबर दे रखा है, तो y(e) निकालने के लिए बोल रखा है। चलिए सबसे पहले अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स y इक्वल टू एक्स इंटू एल एन बेस e है, यानी अपने के पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स लिख सकते हैं क्या, नेचुरल बेस है यानी ये एल एन एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास y अपॉन एक्स के बराबर। हम x कॉमन ले लेते हैं और इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये अपने के पास एल एन एक्स के बराबर हो जाएंगे, यानी ये अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। ये क्या आ गया अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह ई की पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ई की पावर में आ गया एल एन एक्स के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे x के बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस बराबर हो गया, एक्स के बराबर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स के बराबर हो जाएंगे तो इसको आपने के पास सॉल्व कर लीजिए, सोल्यूशन बताइए। इनके जो सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन जो होंगे वो आपने के पास किस बराबर, तो y इंटू आई एफ यानी y इंटू के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू एल एन एक्स, एक्स इंटू एल एन एक्स, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, एक्स सीरीज पर इंटीग्रेट कर लीजिए। इसमें आपने के पास बाय पार्ट लगेगा, क्या लगेगा, बाय पार्ट, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास एल एन एक्स इंटू आपने के पास एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, और यहाँ से अपने के पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अपने के पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से अपने के पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और यह आ गया 1 अपॉन x और ये रहा डी एक्स के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर, और माइनस टाइम्स ये एक्स बाई टू आ गया, यानी ये अपने के पास एक्स स्क्वायर अपॉन फोर आ जाएंगे, और प्लस टाइम्स सी, यानी ये आ गया अपने के पास एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स अपन के पास इसके बराबर आ गया। ये आ गया अपने के पास बराबर जनरल सोल्यूशन। जब जनरल सोल्यूशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास x का वैल्यू क्या कीजिए, 2 पुट कर लीजिए। जैसे x की जगह हम 2 पुट करते हैं, x की जगह क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास y का वैल्यू बताइए। तो जैसे ही हम 2 पुट किए x की जगह तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 2y बताइए इक्वल टू अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ln 2 और इंटू आ गया अपने के पास किस तरह 4/2 के बराबर, 4/2 के बराबर, माइनस टाइम्स 4/4 के बराबर, और प्लस टाइम्स सी। यहाँ से 2y की जगह अपने के पास क्या लिख सकते, 2y(2) एल एन 4 के बराबर और माइनस 1 इक्वल टू अपने के पास बताइए एल एन 4 और माइनस 1 इक्वल टू, ये भी अपने के पास क्या लिखा हुआ, तो यह इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर, 2 एल एन 2 के बराबर आया ना, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये एल एन 2 एल एन 4 के बराबर है, यानी सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने के पास सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, सी इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर, देख लीजिए सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 0 के बराबर। जैसे सी इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से आपने कैसे बताइए एक्स वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन एक्स इंटू आपने कैसे किस बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बाई फोर के बराबर, आई थिंक यही है एक्स स्क्वायर बाई फोर के बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर है। सी आपने कैसे यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ से आपने पास क्या आ गया, ये जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक्स की जगह ई पुट कर लीजिए, चलिए एक्स की जगह ई पुट कर लेते हैं। जैसे हम एक्स की जगह क्या पुट कर लें, ई ई पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास ई वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन वन एल एन ई वन के बराबर, यानी ई स्क्वायर बाई टू के बराबर, और माइनस टाइम्स ई स्क्वायर बाई फोर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया ई वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ई स्क्वायर बाई फोर के बराबर सॉल्व कर लीजिए, तो वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ई बाई फोर के बराबर, हाँ या ना, तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस ई बाई फोर के बराबर। ई बाई फोर कौन से ऑप्शन में, ई बाई फोर ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, इनका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। तो ये थे अपने के जेई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।